So today we will discuss about the solid state. The solid states तो सॉलिड स्टेट में आपके सब्सटेंसेस उन सब्सटेंसेस कंसर्न करते हैं जिनके शेप और वॉल्यूम फिक्स होते हैं, दैट कॉल्ड आर सॉलिड सब्सटेंसेस. इनको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड सेकंड वन एमॉर्फस सॉलिड्स. ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, दीज आर ट्रू सॉलिड्स. These are super condensed liquids. ठीक है, आपका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनमें जो सॉलिड का स्ट्रक्चर होता है वो थ्री डायमेंशन में फैला हुआ होता है. थ्री डायमेंशन में वो आपके जो उसके यूनिट सेल्स होते हैं वो अरेंज होते हैं, स्पेस लैटिस वेल अरेंज होता है. इसमें जो आपके अमॉर्फस सॉलिड्स है इसमें आपका जो स्ट्रक्चर है वो इतना मतलब उसमें एट्रेंडम होते हैं टर्म्स. ठीक है ना, तो ये जो है आपका एक प्रकार से सॉलिड है ही नहीं, सुपर कंडेंस लिक्विड है. इनको यदि आप क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को कोई ले ले उसको कट करे नाइफ वगैरह से तो क्लियर सरफेसेस में क्लियर क्रिस्टल्स में कट कर सकते हैं, लेकिन इनको यदि आप कट करके देखें नाइफ वगैरह से तो इनको क्लियरली सरफेसेस में कट नहीं होगी. जैसे आप रबड़ को कट करें तो क्लियरली कट नहीं होगी. इनमें जो प्रॉपर्टीज होती है लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपका एक्सेट्रा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है, इसीलिए दीज सब्सटेंस आर कॉल्ड एन आइसोट्रॉपिक. इसमें जो सब्सटेंस होते हैं उनकी प्रॉपर्टी सभी डायरेक्शन में फैली होती है, सभी डायरेक्शन में फैल होने की वजह से ये जो है आपके आइसोट्रॉपिक कहलाते हैं. ठीक है, सो ये जो है आपके हाई, इनके जो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो शार्प होते हैं. इनके जो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट है are not sharp. ठीक है, इनको जब आप हीट करते हैं तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आपके सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसको हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं. ये एक आपके पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में चेंज होते हैं, पहले ये सॉफ्ट होते हैं फिर धीरे धीरे ये पिघलते हैं. ग्लास को आप मेल्ट करें तो वो आपका एक पर्टिकुलर, पहले सॉफ्ट होगा फिर पर्टिकुलर रेंज में वो जाके लिक्विड ग्लास में कन्वर्ट. तो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है और ये जो है आपके लॉन्ग रेंज सॉलिड्स के मध्य है, ये आपके जो है शॉर्ट रेंज सॉलिड्स के मध्य. ठीक है, ये लॉन्ग रेंज है ये शॉर्ट रेंज है. इनकी जो हीट ऑफ फ्यूजन होती है आपकी फिक्स होती है, इनकी फिक्स नॉट नहीं. ठीक, और इनके यदि आप कूलिंग कर्व ले तो इस तरीके से आएगा. जैसे आप यहां पे ले लें इसका टेम्परेचर और यहां पर टाइम ले लें तो इनका कर्व इस तरीके से आपका आएगा. और इसमें यदि आप लेंगे कर्व्स टेम्परेचर टर्निंग इस तरीके करवाते हैं. ठीक है, इसके एग्जांपल आपके जैसे ग्रेफाइट है, डायमंड है, शुगर है और आपका NaCl एक्सेट्रा है. इसके एग्जांपल आपके जैसे रबर, ग्लास एक्सेट्रा है.
सो क्रिस्टल जो है आपका एक सॉलिड सब्सटेंस होता है, माइक्रोस्कोपिक चीज होता है जो हमें नेक डाई से नजर आती है, जिसके एक स्ट्रक्चर आपका होता है पर्टिकुलर. तो दैट सब्सटेंस आपका दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल. सो क्रिस्टल जो होता है आपका थ्री डायमेंशन में सेपेटिल अरेंजमेंट्स में फैला हुआ होता है. आपका क्रिस्टल किसी भी सब्सटेंस के लगभग सब सेम होते हैं. और इसके बाद हमारी एक टर्म आती है फेस. सो क्रिस्टल की जो सरफेस होती है दैट इज कॉल्ड फेस. एज जहां पर आपकी दो फेसेस मिलती हैं दैट उस सरफेस को हम क्या कहते हैं, फेस कहते हैं. सॉरी एज बोलते हैं जिस पर आपकी दोनों फेसेस मैच करती हैं. उसके बाद आपके इंटरफेशियल एंगल्स. तो जहां पर आपकी ये एजेस होती हैं इनको आप तीन एक्सिस में रख सकते हैं, एक्स वाई और जेड. इनके बीच में जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड आपका इंटरफेशियल एंगल्स. ठीक है, तो आपका जो इंटरफेशियल एंगल होता है आपका ये, और इनकी जो ये डायमेंशंस होती हैं, साइड मान लिया आपने इंटरसेप्ट ए, इस साइड मान लिया आपने इंटरसेप्ट बी, और ये मान लिया आपने इंटरसेप्ट सी. तो ये एंगल्स और आपके जो इंटरसेप्ट्स हैं इन्हीं के बेसिस पर डिफरेंट टाइप्स की यूनिट सेल्स बनती है. ठीक है, तो यूनिट सेल क्या होती है आपकी, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट. ठीक, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होती है जिसको थ्री डायमेंशनली हम लोग एक्सटेंड करते हैं, रिपीट करते हैं, जिससे आपका वी विल गेट स्पेस लैटिस. तो स्पेस लैटिस की स्मॉलेस्ट जो यूनिट है दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल. और आपका स्पेस लैटिस इट इज द थ्री डायमेंशनल थिंग, माइक्रोस्कोपिक थिंग मेड बाय द रिपीटेशन ऑफ यूनिट सेल. तो यूनिट सेल्स के बार बार रिपीटेशन से आपका जो है ये आपका स्पेस लैटिस बनता है. नेक्स्ट आपकी टर्म है क्रिस्टल हैबिट. सो आपका जो क्रिस्टल की अपनी ज्योमेट्री होती है और उसके जो आपके ये यूनिट्स होती हैं एजेस की और उनके एंगल्स, ये सब आपके क्रिस्टल हैबिट में आती है चीज. क्रिस्टल्स की जो यूनिट सेल्स होती हैं बेसिकली इसको हम कई तरीके से डिवाइड कर सकते हैं. तो इनका जो हम प्रेवी लैटिस वगैरह में टर्मिनोलॉजीज में यूज करेंगे तो उसके लिए हम इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं. जैसे आपका एक सबसे सिंपल और प्रिमिटिव होती है इसमें क्या होता है सिंपल और प्रिमिटिव में कि आपके जो ये जो एटम्स होते हैं आपके कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं सिंपल और प्रिमिटिव में. उसके बाद जो आपकी एफसीसी होती है जो होते हैं आपके फेस पे भी प्रेजेंट होते हैं और इस पर कॉर्नर पे भी प्रेजेंट होते हैं. इसके बाद आपके एंड सेंटर
दो एंड पर, दो फेसेस पर आपके और आइटम प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर के अलावा। देखने में ये बिल्कुल एफसीसी की तरह लगता है लेकिन एक्चुअल में स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। इसके बाद जो आपका बीसीसी, बॉडी सेंटर क्यूब, इसमें आपके कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं और बॉडी के सेंटर में एटम प्रेजेंट होता है। इनको समझने के साथ साथ आपको कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना समझना चाहिए कि कोई भी जो क्यूब है उस पर कॉर्नर्स कितने होते हैं आपके, एट, ठीक है। फेसेस कितनी होती है, फेसेस यानी कि दीवार, ठीक है। दीज आर आपकी सिक्स, बॉडी सेंटर वन होता है, ठीक है, जो आपका बिल्कुल बीचों बीच प्रेजेंट होगा थ्री डायमेंशन में। और आपका जो है एजेस या साइड, ये कितनी प्रेजेंट होती है काउंट करें तो इनको साइड होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये किसी भी क्यूब में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आपके फेस डायगोनल कितने होते हैं, ये फेस डायगोनल, तो ये आपके टोटल कितने बैठेंगे 12। अब बॉडी डायगोनल कितना होगा, ऐसी कितनी लाइन क्यूब में मैक्सिमम पॉसिबल, 4, ठीक। यदि आपकी ये साइड ए है क्यूब की तो फेस डायगोनल की वैल्यू क्या होगी, दैट इज इक्वल टू ए रूट, और बॉडी डायगोनल क्या होगी, ए रूट 3, ठीक है। कॉर्नर का जो एटम होता है उसका हमें कितना काउंट करना होगा, हमेशा 1/8, ठीक। फेस का हमारा कितना काउंट करना होगा, 1/2, बॉडी सेंटर का हम रखेंगे 1, और एज और साइड सेंटर का कितना रखेंगे, 1/4, ठीक है। ये कुछ एक बेसिक पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग अभी थ्री डायमेंशन मॉडल से भी एक्सप्लेन कर देंगे इन सब चीजों को, तो इनको बिल्कुल माइंड में रखना जरूरी है, क्यों क्या कैसे इनके बारे में। सो सॉलिड स्टेट में जो आपके एंगल्स और ये जो साइड है इंटरसेप्ट, ठीक है, आपके जो साइड्स ये तीन है आपकी ए बी सी और इनके बीच में जो एंगल अल्फा बीटा गामा है, इनके बेसिस पर आपका जो है 32 टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। ग्रेवियस ने जो है ये 7 टाइप्स पर डिवाइड करे थे, क्यूबिक, ऑर्थोरॉम्बिक, टेट्रागोनल, मोनोक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल और ट्राइगोनल, और क्यूबिक में आपके प्रिमिटिव, फेस, बॉडी सेंटर एंड सेंटर, ये सारे हो सकते हैं, ठीक है। और इनकी ये कंडीशंस है कि जैसे आपका सिंपल है क्यूबिक आपका, तो उसमें एबीसी तीनों इक्वल होंगी और अल्फा बीटा गामा जो आपके तीनों एंगल से 90 होंगे। आपका जो ऑर्थोरॉम्बिक है इसमें तीनों साइड्स इक्वल नहीं होगी, जैसे आपकी मैच बॉक्स माचिस, दैट इज द एग्जांपल ऑफ ऑर्थोरॉम्बिक, ठीक। तो इसमें आपकी साइड्स तीनों अनइक्वल होती है बट एंगल 90 होते हैं। टेट्रागोनल में 2 साइड्स इक्वल होती है, 1 साइड आपकी इक्वल नहीं होती। उसके बाद मोनोक्लिनिक में आपकी कोई सी भी साइड इक्वल नहीं होती है और 2 एंगल 90 के होते हैं, 1 एंगल 90 का नहीं होता है। रोम्बोहेड्रल में तीनों साइड्स इक्वल होती है पर तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं लेकिन वो तीनों 90 के इक्वल नहीं होते हैं।
इसके बाद जो है आपका हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल जो है एबीसी, तीनों दो साइड इक्वल होंगी, एक नहीं होगी, दो एंगल इक्वल 90 के होंगे और एक 120 होगा हेक्सागोनल। ट्राइजेनिक जो है आपका प्रिमिटिव टाइप का ही पॉसिबल है, इसमें तीनों साइड्स आपकी इक्वल नहीं होती और ना ही तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है और 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को देख के मतलब हम लोगों को कुछ बेसिक आइडिया तो होता ही है क्वेश्चन के बारे में, लेकिन इसको हमें परफेक्टली ठीक करना होता है। तो इसके लिए आपको मतलब इस बात का आइडिया होना चाहिए कि आपको डाटा कितने अच्छे तरीके से आ रहा है। तो आपका सिंपल क्यूबिक एट फेस सेंटर, ठीक है, ये आपके क्रिस्टल सिस्टम तो है नहीं, ठीक, और जो आपका एक ही क्रिस्टल सिस्टम में भी हो सकते हैं, जैसे आपके क्यूबिक में हो सकते थे, ठीक है, और दूसरा इसमें तीनों साइड्स जो है आपकी इक्वल हो सकती है और अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल्स भी इक्वल हो सकते हैं, ठीक है ना। इसमें तीनों एंगल्स जो होते हैं सिंपल क्यूबिक और फेस सेंटर में, यदि हम क्यूबिक का लेंगे तो 90 होते हैं, तीनों साइड्स भी इक्वल हो जाती है, तो ए के आपके करेक्ट आंसर है पी एंड एस। और बी के क्या होंगे, क्यूबिक एंड रोम्बोहेड्रल, दीज आर टू क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं और इनमें भी जो पैरामीटर्स हैं एबीसी इक्वल होते हैं, अल्फा बीटा गामा इक्वल होते हैं, ठीक है, तो इसमें भी पी और क्यू। अब क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल में डिफरेंस क्या होता है, तो रोम्बोहेड्रल में आपके एंगल तो इक्वल होते हैं पर 90 नहीं होते हैं, ठीक है, क्यूबिक में तीनों एंगल 90 होते हैं, ठीक। सी जो है आपका, इसमें आपका ये जो है सारे एंगल 90 होते हैं, तो बी ऑप्शन का कह रहा है हैव ओनली टू क्रिस्टलोग्राफिक एंगल 90, तो वो तो बात सही नहीं है। तो इसमें जो है ये आपका, इसमें एबीसी ठीक होते हैं, एंगल इक्वल होते हैं, लेकिन इसमें एबीसी इक्वल नहीं होती, तो इस कंडीशन को भी फुलफिल नहीं करता है, तो सी में सिर्फ आपका क्यू और डी में आपका टू क्रिस्टल सिस्टम है ये क्यू और इसमें दो एंगल आपके 90 होते हैं और एक एंगल 90 नहीं होता, इसमें 120 होता है, इसमें कुछ समथिंग डिफरेंट होता है, तो इसमें क्यू एंड आपके आर आएंगे। तो आईआईटी में जो अब सिलेक्शन है मतलब वो इस चीज पर फोकस है कि आप ऐसे क्वेश्चन कितने ठीक करते हैं, ठीक है।